भारत माता की छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। लागू करो। 180 दिन से ज्यादा हमारा पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट का लगातार ये एजिटेशन जारी है और आप देख रहे हैं कि हर तरीके से जो है हर वो हथकंडा अपनाया गया कि सरकार जल्द से जल्द इस गहरी नींद से जागे, जिसमें मशाल रैली निकाली गई, सेक्रेटेरिएट घेराव हो, एलजी हाउस का घेराव हो, एमपीज के हाउस का घेराव हो, पीएमओ के हाउस का घेराव हो, हर तरीके से। और अब जाके जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी की अगुवाई में कह लूं, जिसमें उन्होंने श्यामलाल शर्मा जी की चेयरमैनशिप में जो एक कमेटी फ्रेम की है, उस कमेटी ने जम्मू के डेली वेजर्स का भी जो है व्यू लिया है और कश्मीर में आज वो है जो व्यू ले रहे हैं। हमें भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का जिक्र करूं तो बड़े बड़े मसले जो है वो हल किए हैं, जिसमें राम मंदिर का मसला था, 400 साल से भी ज्यादा का पुराना इश्यू था, तो वो हल हो सकता है। जम्मू कश्मीर की धारा 370 का जिक्र किया गया था, वो हल हो सकता है। और भी बड़े सारे इशू, तीन तलाक का इशू करूं, मैं जिक्र करने लगूं तो बहुत लंबी फहरिस्त तैयार हो जाएगी। अगर वो हो सकते हैं तो ये डेली वेजर्स का इशू कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो सबसे बड़ा आग्रह आपके चैनल के माध्यम से देश के गृह मंत्री जी से है कि इस मसले में संज्ञान लें और 61,000 परिवार के हक में फैसला लें। और कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर बंधी है कि 61,000 परिवार जम्मू कश्मीर का उनके हक में जो है इंसाफ होगा, उनके साथ फैसला होगा। लगातार हमने जो वार्निंग दे रखी है कि 22 जनवरी का हमने समय दिया है, अगर सरकार 22 जनवरी तक कुछ पॉजिटिव रिस्पांस लेके आती है तो वेलकम करेंगे, लेकिन उसके बाद जो हालात जम्मू कश्मीर के होंगे उसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की रहेगी, जहां की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी, ना के मजदूर वर्ग डेली वेजर्स की। और खास तौर पर आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट मैसेज है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस गहरी नींद से जल्द जागे और एक कड़ा संज्ञान जो डेली वेजर्स के हक में फैसला लाएं। और दूसरा जो बायोमेट्रिक का इशू बना हुआ है, बहुत सारे मेरे साथियों के फोन कॉल लगातार मैसेज आ रहे थे कि पवन जी क्या करना है, किस प्रकार से इसको करना है कि नहीं करना है, तो कई साथियों ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे जम्मू प्रोविंस के जितने भी मेरे पीएचई महकमा जल शक्ति के डेली वेजर्स हैं या अदर डिपार्टमेंट्स के भी हैं, मैं उन तक भी ये मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि तमाम साथी इस बायोमेट्रिक अटेंडेंस में अपनी रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। हर एक साथी अपने सब डिवीजन लेवल पे पहुंच के, डिवीजन लेवल पे पहुंच के इस बायोमेट्रिक अटेंडेंस में रजिस्ट्रेशन करें। रही बात जो प्रॉपर अटेंडेंस की, तो जब हमारे स्टेशनों पे या हमारे जो आसपास में जहां पर हमें सुविधा अनुसार हम अटेंडेंस दे पाए, जब वो मुहैया होंगे तब अटेंडेंस के बारे में जो है आगे का जिक्र किया जाएगा। फिलहाल हर एक साथी तक ये मेरा मैसेज है कि इस बायोमेट्रिक अटेंडेंस में अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो जरूर करवाएं और हमारा संघर्ष जो है वो ज्यों का त्यों जो है वो जारी रहेगा। और टिल टू जस्टिस और फॉर दी जस्टिस हमारी जो फाइट है कि रेगुलेशन पॉलिसी 64 और मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी और उसके साथ साथ जो हमारा पेंडिंग वेजेस है और जो साथी मेरे 60 साल की सेवाएं देते हुए 60 साल की एज पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त कर दिए गए हैं, उन्हें 10 लाख का कंपनसेशन और उनके परिवार से एक व्यक्ति को स्थायी नियुक्ति, और जो साथी ऑन ड्यूटी जिनकी डेथ हो चुकी है उनके परिवार से भी एक व्यक्ति को जो है स्थायी नियुक्ति की जाए, और जो उनका पेंडिंग वेजेस है और 10 लाख का कंपनसेशन दे करके उन्हें राहत दी जाए। वरना ये अल्टीमेटम है कि सरकार जल्द से जल्द जो है कड़ा डिसीजन ले, तमाम वर्कर्स के लिए रेगुलेशन पॉलिसी लाए, वरना जो आने वाले दिनों में मैं कहूं ऑन दी ग्राउंड कह लूं, ऑन दी रोड कह लूं, इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि सरकार के बस की भी जो है वो बात नहीं रहेगी इस संघर्ष को रोकने के लिए। जो एक जन आंदोलन में कह लूं या एक आक्रोश जो है वो लोगों में भरता चला जा रहा है, कहीं ये बारूद जो है वो एक बड़ा धमाके का रूप ना अख्तियार कर ले, उससे पहले जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन संज्ञान ले और तमाम वर्कर्स को जो है राहत दे, वरना जी आंदोलन देखने को जो है वो ऑन दी ग्राउंड दिखेगा। जम्मू कश्मीर की सरकार डेली वेजरों को हल्के में मत ले। इन दस्तान को चलाने वाला मजदूर और गरीब लोग है जो दोनों हाथ से काम करते हैं, गेंती बेलचा मारने वाला बदान मारने वाला पत्थर को तोड़ सकता है, तो जो अफसर हमारे साथ कुताही करेगा उसकी भी खैर नहीं होगी। ये स्पष्ट मैं कहने वाला हूं, जब तक हमारी पॉलिसी नहीं होगी हमारी घर वापसी नहीं होगी। इस बार की
जो हमारी रणनीति है, सस्ते मन से लड़ रहे हैं, किसी के साथ जाति नहीं होने देंगे, हम शीश झुकाएंगे नहीं, कटवा देंगे, रुकने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं, लेते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। कम करते हैं, लेकिन उसमें जो भी लूप होल्स हैं उनको हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी दूर किया जाए, और इसे आधार कार्ड बेस्ड टाइम पर जो बायोमेट्रिक प्रोसेस को पूरा किया जाए। जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि अपना रजिस्ट्रेशन मशीन में करवाया जाए, तो मैं अभी सभी अपने डेली वेजर साथियों से ये गुजारिश करूंगा कि चाहे वो दूर दराज के खेतों में ही क्यों ना रहते हो, वो जरूर आकर डिवीजन में अपना रजिस्ट्रेशन का काम पूरा